अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कि आज हम बना रहे हैं कुल्फा, जो कि झटपट बनता है, बहुत आसान है रेसिपी और इतना ही मज़े का बनता है कि बस तारीफ़ करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि मैंने कई बार खाया है। तो मुझे लगता है कि जब आप खाएंगे तो आपका भी यही जवाब होगा कि तारीफ़ कैसे करें, ये है इतना मज़े का। तो चलें, देर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो दूध, ये कच्चा दूध है, अभी मैंने इसको बॉयल नहीं किया। और 4 ये पीस हैं हमारे पास डबल रोटी के। तो ये होते हैं ना इस तरह के पीस जो एंड में रह जाते हैं, उनको हम छान बूरे में डाल दें, तो इनको भी ज़ाया नहीं करें, इसको हम इसमें डालेंगे रेसिपी में। 2 टेबलस्पून हमने लिया है खुश्क दूध नीडो, 1 टीस्पून है हमारे पास इलायची पाउडर, और ये 6 टेबलस्पून है चीनी के। यहाँ पे ये है हमारे पास ऑल पर क्रीम। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में रख लिया है अपना बर्तन, चूल्हा जला देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे दूध हम तकरीबन 3 पाव, और 1 पाव दूध हम इसमें से बचा लेंगे। यहाँ पे इसमें डाल देंगे हम चीनी, और साथ में ही हम डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जो मैंने ये दूध बचा के रखा था इसमें जग में डाल देंगे, ये डबल रोटी के पीस तोड़ के, इसके ये साइड के जिस हम इनको कट नहीं करेंगे ये भी बीच में ही डाल देंगे। अच्छा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर हम इसमें भी ऐड करेंगे। चलें, ये अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने तैयार किया है ये बैटर, डबल रोटी और दूध, और इसमें 2 टेबलस्पून हमने खुश्क दूध भी डाला है। तो कुल टोटल हमने मिल्क पाउडर जो है वो 4 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। अब इसको पकाएंगे जब तक ये थिक हो जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। चलिए देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसमें अब हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम डाल देंगे। बस इसको अभी तकरीबन 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे हम और पकाएंगे। अच्छा, वो जो डबल रोटी के मैंने साइड के वो एजिस जो हैं वो नहीं काटे थे, वो इसलिए कि अब देखें इसका कलर कितना अच्छा आ गया, पिंक पिंक। हालांकि इसमें हमने कुछ और डाला भी नहीं है, तो वो इसलिए नहीं काटे थे। चलिए देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका लिया था, और इसका ये टेक्चर आप देख लें, गाढ़ा हो गया। तो चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और इसको हम रख देंगे पानी डाल के परात में, ताकि ठंडा हो जाए। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो परात में पानी डालूँगी और उसमें इसको रख दूँगी। देगची को चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, और ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको कंटेनर में डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये है जी ऑल पर क्रीम, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। इसको थोड़ा सा हम बीट कर लेंगे, और वो जो हमने बनाया था दूध और डबल रोटी का बैटर तैयार किया था, उसको भी फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। तो थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है, और ये देखें इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा ठंडा करने के बाद। तो ये इसकी थिकनेस आप देखें, ये इसमें ऐड कर देंगे क्रीम में। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे, और फिर इसको जमाएंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम डाल देंगे इसमें कंटेनर में, और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे हम रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दी है, और साथ ही हमने ये शीट भी लगा दी, और अब इसको रख देंगे हम तकरीबन 7 से 8 घंटे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में 7-8 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े की
ये अब इसको रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे। हमारा बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा किंग कुल्फा बनकर रेडी होगा। दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। चले जी फ्रिज में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें रख दिया। निकालेंगे इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद। चलें जी खोल के देखते हैं। तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए, 9 घंटे सॉरी, तकरीबन 8-9 घंटे हो गए। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सेट हो गई। इसको अब हम निकालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है इसकी फाइनल लुक। इस पे थोड़े से हम ये बादाम डाल देंगे। तो बहुत ही मज़े का ये किंग कुल्फा बनकर रेडी हुआ है। घर में ही रखी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं, और इतनी गर्मी के मौसम में अगर ठंडी ठंडी ये आप रेसिपी बना के बच्चों को या बड़ों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे, और आपको बार बार बनानी पड़ेगी। तो आपको चेक करके दिखाते हैं, देखें कितना सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुआ है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी, और इतना मज़े का ज़बरदस्त किंग कुल्फा बनकर रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर बनाएं और बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाली है आप सबको। तो चले जी, सुनने से तो बात नहीं बनेगी, बात तो बनेगी जब आप ये रेसिपी बनाएंगे और सबको खिलाएंगे, तभी आपको बहुत सारी तारीफें मिलेंगी। तो इसी के साथ इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।